एक छोटी सी बात कह दूं, हमें भी अर्जुन की तरह कृष्ण का सखा या प्रभु का मित्र बनना होगा। अगर हम उनका मित्र बन जाएं, तो सारे खतरे हमारे दूर हो जाएंगे। फिर हमें चिंता नहीं रहती हमारा कोई अपमान करता है, हमारा कोई सम्मान करता है, इससे हर्ष या शोक हमारे मित्र प्रभु को होगा। ना हमें हर्ष होगा, ना हमें शोक होगा, हम हर शोक से परे रहेंगे। एक छोटी सी कहानी है। एक महात्मा जा रहे थे, चातुर्मास के दिन थे, रास्ते में बड़ा कीचड़ था। एक कामुक व्यक्ति अपनी प्रियतमा वेश्या को साथ लिए जा रहा है। वेश्या के बड़े कीमती वस्त्र पहने हुए हैं। साधु मस्ती में जा रहा है, अवधूत उसके पांव के लगने से कीचड़ उछला, उस देवी के कीमती वस्त्र खराब हो गए। जोश आ गया, उसके मित्र को कोड़े जमाने शुरू कर दिए अवधूत संत की पीठ पर। और अवधूत संत तो देह से ऊंचे उठे हुए थे, वो कोड़े लगा रहा है। अवधूत जी कहते हैं, शिवोहम शुद्धोहम जगदपि च सर्वम शिवमयम। कोई हर्ष या कोप की मुद्रा ही, हर्ष की तो संभावना ही क्या, पर कारण होने पर भी महात्मा की मुद्रा में किसी प्रकार के कोप के चिन्ह दृष्टि गोचर नहीं। उधर उस अत्याचारी वेश्यावल्लभ के पेट में ऐसा दर्द होने लगा कि शायद एक दो क्षणों में उसका शरीर देहावसान हो जाए। वेश्या भले ही कुकर्म रता थी, परंतु बहनों की श्रद्धा नारों मनुष्यों की तुलना में कुछ विशिष्ट हुआ करती है। वे श्रद्धा धना वेश्या महात्मा के आकर चरण पकड़ती है, महाराज मेरा यही आश्रय है, यही मेरा सहारा है, यदि ये चल बसा मेरा निर्वाह क्या होगा। आप उसके दोषों पर दृष्टि न डालें, अपनी बेटी का ख्याल करें। महात्मा हंस पड़े कि बेटी तेरा मेरा तो झगड़ा ही नहीं, ये तो झगड़ा मित्रों का है। आपके वस्त्र पर कीचड़ पड़े तो आपके मित्र को जोश आ गया, मुझे पीटने लगा मेरे मित्र को जोश आ गया है, वो उसको पीट रहा है, तेरा मेरा तो कोई झगड़ा है। इस कहानी से आप समझ गए होंगे कि जब हम प्रभु को मित्र बना लेंगे, अभी किसी प्रकार का अगर हमारे पर संकट उपस्थित होगा तो हमारे मित्र को चिंता होगी, हमारे कार्यों में विघ्न डालने वाला या हमें क्षुब्ध करने वाला व्यक्ति उस हमारे मित्र द्वारा दंडित होगा, हमें उस पर दृष्टि डालने की आवश्यकता ही न रहेगी।